एक तो अपने पास देखिए एक है जो कि क्या है वन टू है एक बी है जो three, है. Right, B. B कि थ्री फोर है राइट ए क्रॉस बी और हाउ मैनी सबसेट्स विल बी ए क्रॉस बी हैविंग यानी कि अब की बार पहले तो हमें एक क्रॉस बी निकालना है निकाल लिया फिर उसके सबसेट बताने हैं जैसा कि हम सेट थ्योरी में क्या करते थे आपको मैं बोलता था कि भाई आपके पास में एक सेट है ऐसा है भाई वन टू थ्री ठीक है अब इसके क्या बताओ आप तो सबसेट्स बताओ यानी पावर्स इसको पी से डिनोट करते हैं जो सबसेट होते हैं ना इसको और ये क्या होता है भाई इसमें देख पहले फाइव आता है फिर क्या आता है वन आता है फिर टू आता है फिर यहाँ पे थ्री आता है फिर फोर आता है फिर हम क्या करते हैं भाई डबल वाले लेते हैं वन टू लेते हैं फिर वन थ्री लेते हैं वन फोर फिर लेते हैं भाई कौन से टू के साथ कितने सबसेट्स बन रहे हैं फिर टू का थ्री के साथ देखते हैं टू का फोर के साथ इस प्रकार से बहुत सारे सबसेट बन जाते हैं यही तो बात है अब की बार यहाँ पे एलिमेंट ऐसे सिंगल सिंगल न होके अब की बार एक रोस बी आ जाता है तो एलिमेंट कैसे बन जाते हैं इस प्रकार के इस प्रकार के बन जाते हैं आई बात समझ में यही काम हमें यहाँ पे करना है कुछ भी नहीं करना बस उनको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है बस ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ठीक है तो यहाँ से क्या है भाई यहाँ से अब ए क्रॉस बी है तो आपका देखिएगा कि ए आपको दिया हुआ है भाई वन टू है ना और b आपको दिया हुआ है थ्री फोर तो ठीक है भाई पहले हम क्या करते हैं राइट तो पहले हमें क्या करना है भाई ये तो गीवन है पहले हम राइट करते हैं ए क्रॉस बी तो भाई ए क्रॉस बी का मतलब वन कोमा टू क्रॉस का मतलब हो गया थ्री कोमा फोर अब यहाँ से क्या करेंगे ये वाला भाई ये करते हैं इनको हर एक को देखो तीर कहाँ पे लगाना है वन का तीर देखिए थ्री को वन का एरो फोर को टू का एरो थ्री के साथ और यहाँ से आएगा टू का एरो फोर के साथ समझ में आएगी अब बात अब हम इनको क्या करते हैं भाई एक रोस बी है ना अब इसका क्या निकालना अपने को इसका सबसेट्स निकालने भाई ठीक है जो हम इसमें करते थे ना जैसे कि अभी बताया था कि वन कोमा टू है तो इसके कैसे लिखते थे भाई एक बार फाइव आ जाता था फिर वन आ जाता था फिर टू आ जाता था फिर थ्री फिर डबल्स को लेते थे वन कोमा टू को लेते थे वन कोमा थ्री को फिर टू कोमा थ्री को फिर लास्ट में क्या लेते थे वन टू थ्री इस प्रकार से ठीक है ये लेते थे अब हमें पता है कि इसके अंदर कितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं भाई कि हमें पता है कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं हम टू की पावर कितना एम ठीक है वो कैसे लिखते हैं जितने इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे उसकी टू की पावर कर दोगे तो यहाँ से फोर है तो यहाँ पे सिक्सटीन कितने बनेंगे कितने सबसेट्स बनेंगे इसके सिक्सटीन सबसेट्स बनेंगे वो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई कैसे क्या है ठीक है ये तो पूछा है कि हाउ मैनी सबसेट्स कितना होगा विल बी ए क्रॉस हैविंग यानी तो यहाँ पर देखिएगा कि कितना पहले तो ये भी बताना पड़ेगा कि इसके पास कितने हैं ठीक है तो यहाँ से देखिएगा कि ये देखिएगा कि कोई भी सेट है उसके पास कितने सबसेट्स होते हैं तो कि वी नो हम क्या जानते हैं भाई वी नो दैट कि ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स देन नंबर नंबर ऑफ सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑफ दिस सेट सेट वो होंगे टू की पावर एन यदि आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो हमें पता भाई कितने होंगे टू की पावर एन होंगे ठीक है वो हमें पता है तो यहाँ पे देखिएगा हेयर तो यहाँ पे हेयर ए क्रॉस बी हैविंग इसके पास कितने एलिमेंट है भाई फोर एलिमेंट्स हैं हैविंग फोर एलिमेंट्स सो कितने आएंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे इक्वल टू टू की पावर फोर इक्वल टू सिक्सटीन यही बात अब हम देखिएगा कि सबसेट्स लिखते हैं इसके तो इसके सबसेट्स होते हैं उनको देखिएगा कि P और इनको क्या लिखते हैं A क्रॉस B ये अब देखिएगा कि पहले क्या आता है यहाँ पे सबसेट्स में पहला आएगा फाइव फिर हम क्या करेंगे भाई इसके सिंगल्टन के साथ स्टार्ट कर देंगे यहाँ से वन थ्री फिर वन फोर फिर आएगा वन फिर आएगा टू थ्री फिर आएगा टू फोर ठीक है फिर हमें देखिए वन वाले सारे ख़त्म हो गए इसके बाद में हमें स्टार्ट करना है किसके साथ डबल्स के साथ तो डबल्स की में आएगा वन थ्री फिर आएगा वन फोर और ये फिर यहाँ पे आएगा वन थ्री वन थ्री का किसके साथ आएगा भाई टू थ्री के साथ फिर आगे देखिएगा कि वन थ्री का टू थ्री के साथ आ गया फिर एक आएगा वन थ्री का किसके साथ भाई टू फोर के साथ फिर फिर स्टार्ट कर दो ये वाले कंप्लीट हो गए फिर इसके अगले वाले कि वन फोर का किसके साथ टू थ्री के साथ और इसमें और क्या आएगा भाई वन फोर का अगले वाला टू फोर ये आ गया ठीक है अब फिर एक जो एंड में बचा वो कौन सा भाई टू थ्री का टू फोर के साथ ये आगे टू टू वाले सारे कंप्लीट अब हमें चलना कि इसमें थ्री वाले में ठीक है थ्री वाले में देखिएगा कि यहाँ से वन थ्री और यहाँ से आएगा वन और यहाँ से आएगा टू थ्री ये कंप्लीट है फिर इसमें देखिएगा कि क्या आएगा वन अब की बार क्या करेंगे इसको छोड़ेंगे अगले वाले तीन लेंगे टू थ्री और यहाँ से आएगा टू फोर यह आया फिर इसके बाद में देखिएगा कि आप क्या करोगे यानी कि इसको लिया तो ये लिया फिर इसको लिया तो वन थ्री लिया फिर वन फिर आगे देखिएगा कि आपके लिए क्या आएगा वन फोर फिर देखिएगा कि क्या है वन फोर टू थ्री फिर आपके लिए आएगा टू फोर ये ठीक है अब इसके बाद में आपके लिए क्या होने वाला है भाई अब आगे से यदि हम वन फोर ये आ जाएगा फिर तो लेंगे नहीं पाएंगे फिर टू थ्री लेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे ठीक है अब लास्ट तो बचा अपने पास इन सभी का एक जो खुद बचा है वो कि वन टू फिर क्या बचा है भाई वन थ्री है यहाँ पे वन थ्री आ गया वन फोर आ गया फिर आपके लिए आ गया फिर आ गया टू थ्री फिर आ गया टू फोर ये तो ये आपके लिए टोटल इसके सबसेट्स आए हैं देख लीजिएगा कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन ये पूरे सिक्सटीन है ठीक है और आप एक बार और चेक कर लीजिएगा सिक्सटीन ही इसके क्या आने वाले है? सबसेट्स आने वाले